मैं बोल के फिर चला आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो उन्नाव रेप केस से आ रही है। बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सहगल को उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा दे दी गई। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर। बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सहगल को उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले में बीते सोमवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने विधायक को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत ने उस पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया। सैंगर पर आरोप है कि उसने साल 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। आइए पूरे मामले की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। नाबालिग लड़की ने कुलदीप सहगल पर बलात्कार का आरोप लगाया। इससे पहले न्याय की मांग को लेकर नाबालिग लड़की ने सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। पीड़िता के पिता की भी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके पीड़िता ने विधायक कुलदीप सहगल पर जेल में हत्या करने का आरोप लगाया था। जुर्माने में से 10 लाख पीड़िता को दिए जाएंगे। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि आरोपी कुलदीप सहगल पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें से 10 लाख रुपए पीड़िता को जबकि बाकी के 15 लाख रुपए सरकारी पक्ष को सुनवाई में हुए खर्च के लिए दिया जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के इस मामले को अगस्त महीने में दिल्ली ट्रांसफर किया था। उसके बाद दिल्ली की 30,000 कोर्ट में मामले को रोजाना सुनवाई चल रही थी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।